स्टार्ट करते हैं। ये डीआई थी हमारी, ठीक है। आज हम लोग डीआई करेंगे, एग्जैक्ट लेवल है दोनों डीआई, एग्जैक्ट लेवल। एक आपका वैन डायग्राम है, लिटिल बिट मैक्सिमम मिनिमम एंड वेरिएबल बेस्ड कॉन्सेप्ट, डूएबल है ये पार्ट भी, आरआरबी पीओ के लिए परफेक्ट सेट, और ये भी आपका परफेक्ट सेट है। चलिए, कितने लोगों ने इसको ट्राई किया था? क्योंकि आपको पीडीएफ ऑलरेडी मैंने दे दी थी, मतलब अगर मन नहीं है प्री का, मेंस का, तो मैं प्री ही पढ़ाऊं फिर पेड में, क्यों? डिसाइड कर लो आप लोग अच्छे से क्या चाहते हो, क्योंकि पढ़ाने में मजा तभी आता है जब रिस्पॉन्स अच्छा होता है। अदरवाइज मेरी तो ड्यूटी है, क्योंकि पेड है मैं तो पढ़ाऊंगी, पर रिस्पॉन्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है। ले लिया है बैच लोगों ने, पर क्लास में नहीं आते हैं। कैसे काम चलेगा ऐसे? हाँ, बफरिंग तो नहीं हो रहा है, सब कुछ तो सही है, अच्छा खासा चल रहा है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, बिकॉज मैंने ट्राई करने को दिया, किसी ने ट्राई ही नहीं किया, टाइम ही नहीं। आप लोग शायद बहुत ज़्यादा बिजी हो, बट कोई नहीं, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहीं पर कर लेते हैं जितने लोग हैं साथ। देयर आर सिक्स शॉपकीपर्स, बिल्कुल लेवल एकदम मेंटेन है। ईच शॉपकीपर परचेज टू टाइप्स ऑफ ब्रेड, बनाना ब्रेड एंड गार्लिक ब्रेड, एंड सोल्ड ओनली सम ऑफ द ब्रेड्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर बाय करता है बट सेल कुछ कोई करता है। द पाई चार्ट गिवन बिलो द शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ बनाना ब्रेड, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पर शो कर रहा है पाई चार्ट, ये बनाना ब्रेड आपने कितनी सेल करी उनका है, ठीक। परचेजिंग अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों पॉइंट से। ईच एंड एवरी लाइन बहुत ही ध्यान से पढ़ी जानी चाहिए, ठीक। इसके अलावा द टेबल गिवन बिलो, तो ये एवरेज बता रहा है बनाना और गार्लिक ब्रेड दोनों का, ठीक है। तो एवरेज है मतलब अगर हम टोटल देखेंगे तो दो का एवरेज है, तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ पर करोगे ना। और फिर इधर क्या है आपका, यहाँ पर दिया है कि नंबर ऑफ गार्लिक ब्रेड सोल्ड बाय ए इज 40 मोर देन बनाना ब्रेड सोल्ड बाय, मतलब हमें कोई न्यूमेरिकल डेटा इन दोनों का इंडिविजुअली ना दे करके हमें ये दो नोट दे दिए, ठीक। तो इनसे आपको यहाँ पर रिलेट करना होगा, ओके, ठीक। तो यहाँ पर ही हम सॉल्व कर लेते हैं, क्यों जाए पीछे, बट यहाँ पर फर्स्ट पेज पे हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ से निकाल लो फिर चलेंगे। तो अब बताओ मुझे, अगर हम ए के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है, तो ए के बारे में बनाना ब्रेड सोल्ड कितनी है, 20%। सपोज मैं इसको 20x कह दूँ, ठीक है। तो आपकी जो गार्लिक ब्रेड होंगी वो 40 मोर होंगी बनाना ब्रेड से। तो अगर ये बनाना ब्रेड है तो गार्लिक ब्रेड कितनी हो जाएंगी, 20x + 40, यही तो आएगा। आई बात समझ में? फिर आगे बोला है एवरेज ऑफ बनाना ब्रेड एंड गार्लिक ब्रेड सोल्ड बाय शॉपकीपर ए। ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ डेटा A2F दिया है और यहाँ डेटा सिर्फ B2F दिया है, मतलब ए का डेटा यहाँ पर आपको नहीं दिया है। तो अगर क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। एवरेज नंबर ऑफ बनाना ब्रेड एंड गार्लिक ब्रेड सोल्ड बाय द शॉपकीपर ए, तो दोनों का एवरेज लोगे तो डिवाइड बाय टू करोगे, तो दो से यही डिवाइड कर दो, तो ये 10x हो गया, ये 10x और ये 20, तो 10x + 10x 20x + 20, दोनों का एवरेज इतना ही तो आएगा। और ये कितना दिया हुआ है, 90% ऑफ गार्लिक ब्रेड सोल्ड बाय हिम, तो 90% मतलब 9/10 ऑफ गार्लिक ब्रेड कितनी है, 20x + 20, तो ये हो गया आपका 20x + 20, सॉरी 40 है, ठीक है। समझ पा रहे हो कि इस क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है?
अब बताओ अगर ये पूरा वैल्यू आपके पास एक स्टेटमेंट आ गया, तो एक्स की वैल्यू इजीली यू कैन, ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हो. तो 20 20 यहाँ कटा, बहुत ही, वही कह रही हूँ, कितने कम लोग, कहाँ चलेगा सब, मतलब क्या ही है, या तो ये सोच रहे हैं प्री करेंगे पहले फिर मेंस, बैठे रहो भाई. अब मेरा क्या है, मेरा तो काम है भाई, मैंने लॉन्च करके पढ़ा दी, लेकिन अब इन अपकमिंग डेज कोई बैच आने वाला नहीं है. फायदा क्या है, ले लेके रख लो, और फिर इंसान पढ़ता नहीं है तो बेकार लगता है. 10x+10 इज इक्वल टू कितना हो गया ये आपका 9x, और प्लस इधर कितना हो गया ये आपका 18. तो आपके पास x की वैल्यू आ गई कितनी, 18 में से 10 गया 8, दैट मीन्स अगर ये 20x था तो आपके पास सारे बनाना ब्रेड जितने सोल्ड थे आ गए. एक x की वैल्यू 8 और हमने इसको 20x कहा था, तो ये कितना, 8 दूनी 16, 160 ये हो गया, फिर 12 अट्ठे 96 ये हो गया, 15 अट्ठे 120, ये 10 8 जा 80, दिस इज 20 8 जा 200, एंड दिस इज 18 8 जा व्हाट 144. सारी वैल्यूज आपकी यहाँ पर आ गई. आपको ये टेबल बना के करना है काम, मैंने तो यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना. अब हमारे पास क्या था कि एवरेज पता था, तो आपको पता चल गया 20x की वैल्यू अगर 160 है, तो 20x+40 कितना आएगा, ये हो गया 8 दूनी 16, 6 4 10, मतलब ए में आपकी गार्लिक ब्रेड भी आ गई, कितनी आ गई 200. तो टोटल कितनी आपकी, ये वाली बनाना ब्रेड 160 और गार्लिक ब्रेड 200, तो टोटल कितना हो गया आपके पास 360. और अगर हम यहाँ ए की एवरेज हमसे पूछ लेता, तो 360/2, यहाँ पर जो ए की वैल्यू आती वो कितनी आती है इसके हिसाब से, 180 आती. मतलब घुमा फिरा के वो कुछ भी पूछ सकता है, यही लेवल आपका रहता है, ठीक है. अगर हमारा अरबी की बात करें, डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं, और इनको छोड़ना नहीं होता है, ये बिल्कुल डुएबल होती है. ये एवरेज था, 2 से मल्टीप्लाई करो, टोटल 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, यहाँ पर 17 2 34, ये 12 2 24, ये 22 2 44, यहाँ पर 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2 3, 324. तो ये टोटल हो गया आपके पास. अब बी सी डी का सबका डेटा भी आपके पास आ गया. जैसे अगर हम यहाँ पर सपोज इसको इरेज कर दें यहाँ से, ठीक, हम यही सारी वैल्यूज निकाल लें, क्यों, क्योंकि बार बार हमें लिखना पड़ेगा. तो ये ए हो गया, ओके. अब बनाना का डेटा मैं इधर लिख दूं, ठीक है, ये टोटल डेटा है, गार्लिक का इधर लिख देंगे, ठीक. तो अगर हम देखें ए की बात करें, तो ए का बनाना हमारे पास कितना है 20x, दैट इज 160, और यहाँ पर टोटल कितना आया था ए का हमारा 360, और ये कितना हो गया 200, ठीक. यहाँ पर ही कितना है 96 बी का, फिर इसका 120, दिस इज 80, दिस इज 200, एंड दिस इज 144. तो ये बनाना जो सेल हुए उनका डाटा है, सोल्ड, ठीक. अब यहाँ पर आओ, तो 96 और ये 246, तो 246 में से आप जैसे ही 96 माइनस करोगे, तो ये 150 गार्लिक का आ गया बी का, 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका ये 220, 8 3 24, 8 2 16, यहाँ पर ये 240, और लास्ट वन 180, ठीक है. सारा डेटा हमारा डन, आई बात समझ में, पता नहीं कहाँ है सब नदारत, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है. अब अगर इतने ही स्टूडेंट्स हैं तो फिर मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगी, ठीक है, जो मुझे सही लगेगा, क्योंकि फिर जब सब रहते हैं तो मुझे लगता है कि यार एक प्रेशर रहता है कि हाँ वैसे पढ़ाना है. तो फिर अब इतने हैं तो इतनों से ही हम अच्छे से यहाँ पर करेंगे, और बाकी कोई लाइव नहीं आता बोलेगा बाद में, तो फिर खैर नहीं उसकी. मॉक टेस्ट बैच का मतलब क्या है अगर आप लाइव में नहीं आ रहे हो, पीडीएफ चाहिए तो मैं वैसे ही दे दूँ, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो. डन, आगे बढ़ते हैं, ठीक. आई होप सबको क्लियर होंगे सारे पॉइंट्स, ठीक है. नोट देकर आपको एक्स्ट्रा वैल्यू दे दी थी, यहाँ ए गायब कर दिया था, और आपको यहाँ से देखना था कि किसकी वैल्यू किसके बराबर है, ओके ना. नेक्स्ट, अब हमारे क्वेश्चंस ये रहे, क्वेश्चन पर चलते हैं. पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वैल्यूज आई होप आप सबने नोट डाउन कर ली होंगी, ठीक है. हाँ अंकिता, वही मैं भी सोच रही हूँ कि मैं मेंस करवाऊंगी फिर अच्छे से, प्री के मैं मॉक टेस्ट करवाई दूंगी, और प्री तो यूट्यूब पे भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं. बहुत अच्छे अच्छे डी आई है मेरे पास, जैसे वैकेंट वाले आए थे ना, वो सीट वाले, उस तरह के न्यू पैटर्न है, मॉडिफाइड है, आपके रेशियो मिसिंग वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे डी आई है मेंस के, तो वही करेंगे.
नंबर ऑफ बनाना ब्रेड सोल्ड बाय सी इज 60% ऑफ टोटल बनाना ब्रेड परचेज्ड बाय हिम। तो हमें जो डेटा है ये सोल्ड का दिया हुआ है, एक बात तो ध्यान से याद रखिए। ठीक, तो अगर हम सी की बात करें तो सी में अगर हम देखें बनाना और गार्लिक ब्रेड हमारी आई कितनी थी, तो बनाना ब्रेड 120 थी और गार्लिक ब्रेड हमारे पास 220 जो हमने अभी निकाली थी। ठीक, अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि अगर ये सोल्ड था, ठीक है, ये सोल्ड डेटा दिया हुआ था हमारा, ठीक, जो ऊपर दिया था वहां क्लियरली मेंशन था ये भी सोल्ड था और ये भी सोल्ड था, तो एक्चुअल परचेजिंग कितनी रही होगी। सोल्ड आपकी रही है सी की, इन्होंने कहा है बनाना की 60%, मतलब 60% की वैल्यू 120, तो टोटल बनाना ब्रेड परचेज कितनी होंगी 100%, दैट इज 6 × 12, तो ये 200 होगी। ठीक है, फिर आओ इधर, अब बोला नंबर ऑफ गार्लिक ब्रेड सोल्ड बाय सी इज 66.2/3%, दैट इज इसकी वैल्यू 2/3, और कितनी सेल करी गई है 220, तो आपकी एक यूनिट या फिर टोटल गार्लिक ब्रेड कितनी हो जाएंगी, ये 2 से 110 और ये 330। ठीक, अब हमसे कहा क्या कि इफ 20% ऑफ अनसोल्ड ब्रेड बनाना एंड गार्लिक ऑफ सी आर बोटेन, तो हमें तो सबसे पहले देखो अनसोल्ड है कितनी, ये सोल्ड थी तो इनको माइनस कर दो, तो इसकी अनसोल्ड आ गई 80, और ये सोल्ड थी तो यहाँ इसको माइनस कर दो तो इसकी आ गई 110, तो टोटल कितनी हो गई आपके पास 190 अनसोल्ड। अब अनसोल्ड का 20% जो है वो क्या है, रोटेन, तो हमसे नॉट रोटेन पूछा है, तो 20% रोटेन, तो 80% इसका आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज 19 8s 150, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। आई बात समझ में? अरे अभी इसी टाइम तो सबने बोला था लाइव का, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये भी हो सकता है धर्म, ये बात हो सकती है, यू हैव अ पॉइंट कि मैंने मॉक का, लोगों को लग रहा होगा कि मैम सेकंड पार्ट भी यूट्यूब पर करवाएंगे, सेकंड पार्ट कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसको हो गया डन। ओके, आई होप क्लियर होंगे सारे पॉइंट आपको यहाँ पर, एक एक चीज, तो ऐसे डीआई आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी थोड़े से मैं लेवल इंक्रीज भी करूंगी, बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा लेवल मेंटेन करेंगे। नंबर ऑफ बनाना ब्रेड सोल्ड बाय सी एंड एफ टुगेदर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो देखो बनाना ब्रेड सोल्ड का तो यही था, लेकिन गार्लिक भी आ गया, तो भाई जज्बात बदल दिए हमारे। बनाना ब्रेड की बात करें सी और एफ के, तो ये थे 120 सी के और एफ के आए थे 144, दैट इज 264, तो ये सी और एफ के बनाना ब्रेड होगा। ओके, फिर इसके बाद हाउ परसेंट लेस देन द गार्लिक ब्रेड सोल्ड बाय सी एंड एफ, तो इसके गार्लिक ब्रेड कितने आ जाएंगे 220 + 180, दैट इज 8 × 10, 2, 3 और 1, 4, तो 400। कितना ज्यादा ये, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 136, और 400 से कंपैरिजन, मतलब 4 से डिवाइड, 4 × 12, 4 × 16, 34% आपका। कुछ नहीं, हाउ मच परसेंट मोर और लेस था, सिंपल सा क्वेश्चन। अब यहाँ आओ, 66 2/3 ऑफ द टोटल ब्रेड बनाना एंड गार्लिक सोल्ड बाय ए, तो ए में टोटल हमारे पास कितना आया था, 360 आया था बनाना और गार्लिक मिलाकर, तो इन्होंने कहा है कि इसका अगर हम 2/3 सेल कर देते हैं, ठीक है, सॉरी इतना सेल करते हैं मेल को, ठीक है, तो मेल को कितना सेल किया, ये हो गया 12 × 24, 240 आपने मेल को सेल कर दिया, आउट ऑफ विच 40% आर बनाना ब्रेड, तो बनाना ब्रेड कितनी हो गई 40%, तो गार्लिक ब्रेड हो जाएंगी 60%। ठीक, अब बोला है डी की अगर हम बात करें तो डी में टोटल कितना है 12 × 24, तो डी के हैं टोटल 240, और इसमें बोला है बनाना गार्लिक में, इसमें 40% बनाना किसको सेल कर देते हो आप, सॉरी 50% मेल को पहले सेल करते हो, तो इसका 50% मतलब 120 मेल को गया, जिसमें से 40% बनाना था, तो अगेन 60% आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ। गार्लिक तो पूछा है, ए और बी के गार्लिक ब्रेड जो मेल को सेल किए बता दो, तो सीधे 12 × 72 ये आया, और यहाँ पर ये कितना 24 × 6, क्योंकि गार्लिक की बात हो रही, तो 6 × 24, 6 × 12, 13 × 14, 144 और 72 का सम पूछा है आपसे, तो 4 × 2 = 6, 7 × 4 = 11, 216, ऑप्शन नंबर। आ रही है बात समझ? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
पता नहीं कौन मरता है यार पूरे दिन, कुछ ना कुछ आवाज। इसीलिए मैं रीजन है दिन में क्लास नहीं लेती आपकी, पता है, क्योंकि तो कुछ ना ऐसे ऐसे तो हम लोग बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, पर डेली कभी किसी के यहाँ कुछ टूट रहा है, किसी की छत टूट रही है, घर में कुछ बन रहा है, यही चलता है। शॉपकीपर बी सोल्ड 82% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ब्रेड, बनाना एंड गार्लिक। तो बी के पास टोटल कितना है, इतना तो 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 246 है कि नहीं बनाना गार्लिक का। अब इन्होंने बोला है क्या कि 82% सेल कर देते हैं, ठीक है, ओके तो 82% सेल कर देते, तो ये सेल वाला ही तो पार्ट है, तो 82% की वैल्यू आपकी इतनी हो गई। तो 6 2 12 है, 3 2 6, 3 8 24, तो 1% की वैल्यू आपके पास 3, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 300। तो 300 में से आपने 246 सेल कर दिया। अब ये परचेज्ड है टोटल, ठीक। अब बोला है कि एंड 80% ऑफ बनाना ब्रेड परचेज्ड बाय हिम सोल्ड का, ठीक है, तो एंड सोल्ड 80% ऑफ बनाना ब्रेड। तो अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, बी की, तो बी की बनाना ब्रेड कितनी थी, 12 8 96, ठीक है, मतलब 80% की वैल्यू दे रखी जो सेल करी हुई 96, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी, 8 8 8 2 16, तो 100% की वैल्यू 120, तो 120 टोटल परचेस्ड बनाना ब्रेड थी। अब बोला गया है यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ अनसोल्ड गार्लिक ब्रेड, तो अनसोल्ड गार्लिक ब्रेड, तो उससे पहले आप निकालो 120 माइनस करके टोटल परचेस्ड बनाना, तो टोटल परचेस्ड गार्लिक आ गई कितनी, 180। और 180 में से आपने गार्लिक सेल कितनी करी है बी में, तो पीछे आओ जहाँ टेबल बनाई थी, तो कहाँ कितना था, बी में आपने सेल करी है गार्लिक 150, तो सीधे आप 150 माइनस कर दो, ठीक है, 150 माइनस कर दो, तो ये आपकी अनसोल्ड गार्लिक आ गई कितनी, 30। बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा दिया था। कल प्रोबेबिलिटी की क्लास होगी रुद्रा, वो पता नहीं कल टेस्ट करवाना है मुझे फिर से, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी सुबह, ठीक है, मेरा मन नहीं है क्लास छोड़ने का, ठीक, तो सुबह मॉर्निंग में बता दूंगी, होगी तो वही 1 बजे हो, ठीक है। इज इट क्लियर कि क्या बोल रहा है यहाँ पर, सोल्ड का डेटा दिया है, फिर टोटल परचेज निकाला है, टोटल परचेज बनाना का आ गया, टोटल परचेज बनाना गार्लिक का आ गया, तो टोटल गार्लिक का परचेज निकाल लिया। अब टोटल गार्लिक के परचेज में से टोटल गार्लिक सोल्ड कितना हुआ, वो हमारे पास था, तो हमने अनसोल्ड निकाल दिया, क्लियर। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है ये बहुत, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। अब इधर देखो, शॉपकीपर ए सोल्ड बनाना ब्रेड एट 20 रुपीज पर, तो ए की अगर हम बात करें तो ये बनाना 20 रुपए और गार्लिक ब्रेड का 15 रुपए पर पीस है, और अगर हम सी की बात करें तो बनाना आपका 20 रुपए और गार्लिक 10 रुपए, ठीक। तो अभी आप ए का देख लो कि क्या था, ए के पास आपका क्या था, बनाना 160 था और गार्लिक 200 था, और सी के पास देखिए बनाना 120 था, गार्लिक 220 था। बोला क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए एंड सी, तो यहाँ अमाउंट 16 2 32 और यहाँ पर 15 2 30 हो जाएगा, ठीक, तो टोटल कितना हो गया, ये 62, और यहाँ पर कितना, 12 2 24 और ये 22 हो जाएगा, तो यहाँ टोटल कितना हो रहा है आपका, 46, दोनों का डिफरेंस 6 और ये हो गया कितना, 46 ना, 46 था नहीं, 1600, ठीक है, तो 1600 आपका आंसर ऑप्शन, ईजी था, ठीक है, पूरे 0 लिखो मैं, टाइम बचाओ, ये करो।
चलिए यहाँ पर देखो क्या है, आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपको मैच मैच द फॉलोइंग रहता है टाइप से, ठीक है। ऐसे भी आते हैं कि ए और ई, ए एफ, इस तरह से मैच करने वाले भी मैंने करवाया, अभी और करवाऊंगी आने वाले। यहाँ आपको ऑप्शंस दिए हैं, तो मतलब रूट की बात कर रहा है, ए सी ए बी सी डी ई के। तो आप पहले देखो, आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया है क्या इस तरह से कि ऑल ऑफ दीज भी है, तो एक काम करो सबसे पहले सबके रूट्स निकाल लो। तो अगर हम ए बी सी की बात इधर कर लें और डी ई एफ, तो यहाँ x के रूट्स क्या होंगे। अब ये है आपका 9 चौक 36, तो प्लस का 9 और माइनस का 4, तो ये आ गया माइनस का 9 और प्लस का 4। यहाँ पर देखो तो 10 दिया 30, तो ये दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, कितने 10 और 3। और लास्ट में आओगे तो 16, तो 8 2 16, माइनस का 8 प्लस का 2, दैट मीन्स रूट्स आर प्लस का 8 और माइनस का 2। ओके, अब डी की बात कर लो, तो ये 6 5 30 तो नहीं बनेगा क्योंकि डिफरेंस 7 नहीं आएगा, बस 10 दिया 30, तो माइनस का 10 और प्लस का 30, तो फैक्टर 10 एंड -3। ई की बात करेंगे तो ये 8 चौक 32, माइनस का 8 प्लस का 4, तो माइनस का 4 आएगा, मतलब प्लस का 8 और माइनस का 4। यहाँ पर देखो 176 है, तो 8 दूनी 16, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 11 दूनी 22, तो 8 दूनी 16, तो 11 और ये 16 में से 11 गया 5, तो माइनस का 16 और प्लस का 11 रहा होगा, तो फैक्टर 16 एंड -11। नाउ पॉजिटिव रूट ऑफ सी मतलब कि ये इज ग्रेटर देन पॉजिटिव रूट ऑफ ई, तो इससे ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा नहीं, दोनों बराबर, तो पहला गया। स्मॉलेस्ट रूट ऑफ ए, स्मॉलेस्ट मतलब -9, इज ग्रेटर देन स्मॉलेस्ट रूट ऑफ ई, तो ये ऑब्वियसली डी बड़ा है, -3 बड़ा है -9 से, तो ये भी गया। स्मॉलेस्ट रूट ऑफ बी दैट इज 3 इज स्मॉलर देन द बिगेस्ट रूट ऑफ एक्स, तो 16 से छोटा है बी, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट, ठीक है। तो बाय ऑप्शन ही आप इनको चेक कर पाओगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ पर देखो 18 दिया 54 तो नहीं बनेगा, बट 9 6 54, तो माइनस का 9 प्लस का 6 रहा होगा, तभी माइनस का 3 रहा होगा, तो ऐसे करके लिख लिया करो, कंफ्यूजन नहीं होती, ए बी सी डी ई एफ। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एक्स के रूट ये आ गया, प्लस का 9 और माइनस का 6, यही तो होगा, है ना भाई, 9 6 54, तो माइनस का 9 और प्लस का 6 है, तभी तो माइनस का 3 आया होगा। अब नीचे आओ, तो नीचे वाले में क्या है, 143, तो 143 मतलब कि क्या 13, बाहर लोगे तो 13 एकम 13 और 13 एकम 13, यही तो दिख रहा है, 13 में से 11 गया 2 आएगा, तो माइनस का 13 और प्लस का 11 रहा होगा, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, प्लस का 13 और माइनस का। नीचे आओ तो ये है आपका 320, तो 16 दूनी 32, और 16 और 20 में देखो तो 20 और 16 का डिफरेंस 4, मतलब माइनस का 20 और प्लस का 16 रहा होगा, तब माइनस का 4, तो फैक्टर प्लस का 20 और माइनस का 16, ठीक है। यस, यही लेवल रहता है आपका आरआरबी का, अभी थोड़ा बढ़ाऊंगी भी मैं, ठीक है, बट हम सेट वाइज जाएंगे ना, एकदम से नहीं, अभी मैं लेवल आपको ऐसा कराऊंगी इससे ऊपर कहीं नहीं जाएगा, यहाँ पर आपको यही मेरा रहता है कि लेवल आपको बहुत अपग्रेडेड ही मिलेगा। दिस इज 360, ठीक है, तो 360 का मतलब क्या होता है, 18 दुनी 36, और 20 में से 18 गया माइनस का 2, तो माइनस का 20 और प्लस का 18 रहा होगा, तब माइनस का 2, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, प्लस का 20 और माइनस का 18। नेक्स्ट वन 180, तो 9 दुनी 18 या फिर 36 18, ठीक, तो और एक काम और भी कर सकते हैं, 15 एकम 15, 15 दुनी 30, 15 और 12 का डिफरेंस 30, तो माइनस का 15 और प्लस का 20, तो ये हो गया प्लस का 15 और माइनस का 12। यहाँ पर 9 5 45, माइनस का 9 प्लस का 4, तब माइनस का 9 5 45, तो माइनस 9 प्लस 5, तो ये जाएगा प्लस 9 माइनस। पॉजिटिव रूट ऑफ सी, तो पॉजिटिव रूट ऑफ सी दैट इज 20 इज ग्रेटर देन पॉजिटिव रूट ऑफ ई, ऑब्वियसली 20 15 से बड़ा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। स्मॉलेस्ट रूट ऑफ ए इज ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ डी, तो स्मॉलेस्ट रूट ऑफ ए -6 ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ डी, तो ये -6 -18 से बड़ा, ये भी सही। अब नन ऑफ दीज भी है, तो आंख बंद करके ऑल ऑफ दीज टिक मत कर देना, पहले इसको भी चेक कर लो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ दो सही हैं, तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिनमें दो सही हो, तब नन ऑफ दीज तब भी हो सकता है, तो ऑल ट्रू तीनों चेक कर लेना। स्मॉलेस्ट रूट ऑफ बी दैट इज -11 इज स्मॉलर देन द बिगेस्ट रूट ऑफ एफ, एफ का बिगेस्ट रूट कौन सा है, स्मॉलर देन, ठीक है, तो 9 से तो छोटा है ही है ये, दैट मींस दिस वन इज आल्सो करेक्ट, तो ये सही ना होकर ऑल ऑफ दीज पर आप टिक करो, ठीक है, आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट, ये डीआई है आपकी,
स्लिट वेन डायग्राम लिटिल बिट मैक्सिमम मिनिमा का भी कॉन्सेप्ट है, तो इसे करिए। ये कल मुझे करानी थी, लाइव में हुई नहीं थी, ठीक है, कल दी थी मैंने होमवर्क के लिए, तो पढ़ लो, डन हो जाए तो बताना, थोड़ा खुद से एक बार पढ़ के देखना, बहुत अच्छा इसका कॉन्सेप्ट। अरे अंकिता ऐसे नहीं करते, ठीक है, मतलब एक्चुअली वैसे तो कोई बात नहीं है एज अ स्टूडेंट, लेकिन कभी कभी, लेकिन बात तो सही है तुम्हारी, गलत नहीं है, एग्री विद यू, ठीक है। रुद्रा 3 RRB एग्जाम से पहले कैसे खत्म करें प्रैक्टिस के साथ? रुद्रा 3.0 नेहा, अगर हम RRB से पहले बात करें तो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बिकॉज क्लासेस ज्यादा है, बट हाँ अकॉर्डिंग टू योर नीड, ओके। अगर देखो मेंस तक आपको जाना है, ठीक है, तो मेंस में अभी टाइम है, लेकिन अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स लेवल का देख रहे हो, देन आप मॉक टेस्ट दो, ठीक है, और आपको जिन जिन टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है उनकी क्लासेस आप देखते जाओ, ठीक, ऐसे आप अभी के लिए फिलहाल, ठीक। बाकी जो आपका रिमेनिंग हो मेंस का, जब आपको टाइम हो तब कर लेना, बिकॉज अभी अगर ऐसा टाइम है, और अगर आपने एक स्लॉट बना रखा है कि नहीं मैं मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ साथ में, कि अगर आप प्री में ठीक ठाक कर ले जा रहे हो, तो आप फिर अब आराम से टॉपिक वाइज जो भी है, पहले आप कौन कौन से टॉपिक खत्म करोगे, यूनिट 1 पहले खत्म करोगे, देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, टाइम एंड वर्क हो गया, एजेस, पार्टनरशिप, ठीक है, इनको पहले आप खत्म करो, फिर उसके बाद अदर टॉपिक पर, ठीक है। देन हुआ क्वेश्चन में कुछ गलत है, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है, कहाँ पर क्या गलत लग रहा है, लेट मी नो, ठीक, हो सकता है गलत हो, लेकिन है नहीं ऐसा, ठीक, हमेशा तुम लोग ऐसी निगाहों से मत देखा करो, क्योंकि वेरीफाइड नहीं है ये, लेकिन मैंने वेरीफाई कर लिया है, आई डोंट थिंक कि कोई इसमें प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, ओके। चलो हम करते हैं इस क्वेश्चन, क्वेश्चन में करेक्शन करिए, फर्स्ट पॉइंट में क्या गड़बड़ है दिखा जरा। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड अमंग 44 पीपल इन ईस्ट दिल्ली अबाउट IPL 3 टीम्स, दिल्ली कैपिटल, चेन्नई सुपर किंग एंड मुंबई इंडियंस, ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन टीम अमंग द गिवन टीम्स, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? नंबर ऑफ पीपल दोज लाइक ओनली MI इज थ्राइज ऑफ दोज हु लाइक्स ऑल द थ्री टीम्स, व्हाइल दोज लाइक ओनली DC इज टू लेस देन, ओके ओके, ओनली MI कर ना, ओके, कुछ ना कुछ रह ही जाता है भाई, है ना, अब सही है, ओनली DC का कंपेयर ओनली DC से क्या, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, ये पॉइंट आपका करेक्ट कर दूं, ठीक है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, मैं बताती हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप MI करो, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, पता नहीं यार मुझे ना ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, जैसे ये वेन डायग्राम हो गया, आपका PNC हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ज्यादा खींचते नहीं है,
कौन कौन है लिख लेते हैं भैया। डीसी है, चेन्नई सुपर किंग, सीएसके एंड एमआई। अब देखते हैं आगे क्या है। इन्होंने कहा है क्या कि एटलीस्ट वन ऑफ द अमंग गिवन टीम्स, ओके, नंबर ऑफ पीपल दोज हु लाइक ओनली एमआई। तो ओनली एमआई मतलब कि इस वाले पार्ट की बात हो रही है। ये क्या कह रहा है यहाँ पर, इज अ थ्राइज ऑफ दोज हु लाइक ऑल थ्री टीम्स। तो सपोज अगर मैं इसको ए कह दूं तो ये थ्राइज ऑफ ए हो जाएगा, क्लियर। While those like only DC is two less than those who like only MI. तो only DC का मतलब ये वाला पार्ट हो गया पूरा, only जो किसी के साथ कॉमन ना हो। तो ये बोला है कि only MI that is 3A से कितना कम है, दो कम है, क्लियर, इतना डन, ठीक। अब इसके बाद आगे वाली लाइन बड़ी खतरनाक सी दी गई है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ MI एंड CSK आर सेम एज। तो MI और CSK वाले जो है ना वो सेम है किसके, ओनली CSK के, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि while 20 पीपल लाइक DC, तो एक पॉइंट हमें यहाँ पर ये दे दिया कि DC लाइक करने वाले टोटल 20 लोग। तो मतलब ये जो DC वाला पूरा सर्कल है ये 20 का हो गया। आगे 10 पीपल दोज हु लाइक DC ऑल्सो लाइक एटलीस्ट वन मोर टीम। तो 10 पीपल हु लाइक DC एटलीस्ट लाइक वन मोर टीम, वन मोर, एटलीस्ट वन मोर। भाई एक तो वो खुद है DC, दो टीम और हो गई CSK और आपकी कौन सी MI, ठीक। तो इस लाइन को ध्यान से समझना, एटलीस्ट वन का मतलब हुआ या तो एक या तो दो। तो कौन से वाले घेरे में आएंगे भाई, मैं यहाँ पर एक बार समझा देती हूँ। आपसे बोल दिया क्या कि DC तो थी ही अपनी, ठीक, तो एटलीस्ट वन, तो एटलीस्ट वन मोर, एटलीस्ट वन का मतलब एटलीस्ट वन और टू, तो एटलीस्ट एक और लाइक करेगी। तो कौन सा वाला, बोध वाला पार्ट आ जाएगा, और बोध वाला ये वाला पार्ट आ जाएगा, और तीन भी तो हो सकती है, मतलब ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। तो मतलब इस वाले पार्ट को इसने हाईलाइट करके यहाँ पर बोला है, लाइन को ध्यान से समझिएगा क्या कि 10 पीपल दोज हु लाइक DC, तो ये वाले वो वाले पर्सन 10 लोग जो DC लाइक करते हैं, वो साथ में क्या लाइक करते हैं, एटलीस्ट वन मोर टीम लाइक करते हैं। मतलब या तो वो एक और हो सकती है या तो वो तीनों हो सकती हैं। तो एक और DC का अगर हम पूरे सर्कल में देखें तो सिर्फ इतना ही पार्ट है जो सिर्फ और सिर्फ ओनली के अलावा दो टीम या एक टीम के साथ यहाँ पर कॉमन बना रहा है। तो इस पोर्शन की बात होगी आपकी, ठीक है, आई बात समझ में। मतलब ये जो पोर्शन है ये पूरा आपको 10 दे दिया है, ठीक। जब ये 10 दे दिया, टोटल DC 10 है, तो ये 3A-2, ये जो आपका बचा हुआ था भाई, टोटल DC इज 10, ठीक। तो DC का इतना पार्ट ये जो मैंने हाईलाइट किया ये भी 10 है, तो ये वाला पार्ट भी तो 10 होगा, बिकॉज पूरा सर्कल ही तो DC है, 20 में से 10 गया 10, तो 3A-2 इज इक्वल टू व्हाट, 20-10। तो यहाँ से आपकी A की वैल्यू आ गई कितनी, 8 2 10, कितना 10 होगा ना, 10 2 12, ए की वैल्यू आ गई। इतना डन हुआ कि नहीं बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दुविधा परेशानी? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको बस और कुछ नहीं, वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझना है। ये कॉन्सेप्ट एक हो गया, दूसरा ये वाला आप समझ जाओ, बस दो को समझ जाओ, फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन पर मूव कर जाओ, है ना। Now, अब हमारे पास वैल्यूज आ गई, तो हम वैल्यूज आ गई तो एक डायग्राम और बना लेते, क्योंकि हम जितने डायग्राम्स बनाएंगे आपको उतना आराम रहेगा, मतलब आप उतना क्लियरली समझ पाओगे बातों को जो मैं समझाऊंगा, ओके। दिस इज DC, CSK एंड MI। नाउ A की वैल्यू आ गई आपके पास 4, तो ये 4 3 12 हो गया, ठीक, ये 4 3 12 2 दैट इज 10 हो गया। और ये अगर पूरे सर्कल की बात करें, ये वाला, ये जो हमने हाईलाइट किया था अभी नीचे, तो ये मेरे पास कितना है, पूरा 10 है, ठीक। अब ये तो 10 है बट हमें नहीं पता, बट ए बीच वाला ए था, अगेन ये हमें पता लग जाए, ठीक। अब ये सारी वैल्यूज वी डोंट नो कि क्या होंगी या क्या होनी चाहिए, आगे देख लेते हैं कि हम कुछ निकाल पाएंगे क्या इसके अलावा। अब इसके बाद स्टिल हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो हम क्या करें भाई, मान लो वेरिएबल, इसको मैंने m कह दिया, इसको मैंने n कह दिया, ठीक है, और ये भी नहीं पता अभी,
ये भी निकालना पड़ेगा। इतना डन कि नहीं, यहां तक कह दो डन तो मैं थोड़ा सा मिटा दूं। यहां तक समझ में आई बात, क्या बोलना चाह रहे थे? हाँ मैम, मैंने EWS से फिल किया है MP एंड आई एम रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, विल EWS सर्टिफिकेट वैलिड? आई थिंक आप जब किसी दूसरे स्टेट से भरते हो तो कोटा काम नहीं करता है, जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी एक बार देख लो, ठीक है? काम नहीं करती है चीज़ें। भैया बता दो डन। CSK 10 आ रहे हैं, गलत। अच्छी कोशिश लेकिन गलत है अंकित। ठीक, नाउ मैं रिमूव कर रही हूँ इसको, ठीक, क्योंकि ये वाला पोर्शन मुझे समझाना था, हाईलाइट करके मैंने समझा दिया। बहुत ज़रूरी है छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर होना, क्योंकि जब आप इतनी बारीकी समझ जाते हो तो भाई क्या ही पेपर में आएगा, उड़ा दोगे ना। अब देखिए क्या ये वाला पॉइंट कि MI और CSK वाले, तो MI और CSK वाले कौन से होंगे भाई, हैं? जब नम बोध बोध लगा है, ठीक है, बोध MI एंड CSK, तो बोध MI और CSK का कॉमन पार्ट कौन सा है अगर हम इसको देखें, है ना? कहाँ पर जाएं, कोई और पेन लेते हैं। बोध MI और CSK मतलब ये वाला पार्ट, और ओनली CSK का मतलब क्या हुआ? ओनली CSK का मतलब ये वाला पार्ट है। स्टेट लेवल एग्जाम है RRB, ठीक है, स्टेट लेवल है आपका, ओके। हर स्टेट में निकलती है ना, स्टेट वाइज भी तो आपका रहता है। हाँ भैया समझो, अब समझ रहे हैं, हाईलाइट कर दिया, ब्लू वाला पार्ट है MI और CSK वाला, और ओनली CSK वाला पार्ट ये रहा, ये दोनों है इक्वल। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं देखूं, मुझे टोटल 44 पीपल के बीच में सर्वे किया गया है, ओके, 44 पीपल के बीच में सर्वे किया गया है, एंड दिस वैल्यू इज 10, दिस वैल्यू इज 12, तो ओनली DC और ओनली MI क्या है आपके पास? 12, ठीक। और अगर मैं एक काम ये भी कर सकती हूँ क्या, कि अगर मैं पूरा DC देखूँ, तो पूरा DC कितना है? 20 है, ओके, और पूरा DC और ओनली MI कितना है? 12 है। तो मैंने कितना एरिया कवर कर लिया? ये वाला। तो अब मेरा इतना पार्ट छूट रहा है, कौन सा पार्ट छूट रहा है? ये वाला पार्ट छूट रहा है। और अगर मुझे चाहिए क्या, बोध MI प्लस CSK और प्लस ओनली CSK, क्यों? क्योंकि दोनों सेम है, जो भी दोनों की वैल्यू है आधा आधा डिवाइड कर देंगे, है ना? दोनों को आधा आधा डिवाइड कर देंगे, क्यों ज्यादा वेरिएबल्स लाए? हमें काम ये कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें कंबाइन, भाई जब पता है CSK MI पास पास है, तो हम ओनली CSK और MI और CSK का दोनों का कॉमन पार्ट दोनों को ऐड करके निकाल लें, और जो भी वैल्यू आई, मान लो 12 आई, तो आधा आधा डिवाइड करके 6 6 कह देंगे, क्या दिक्कत है अपनी? ठीक। तो अब यहाँ पर मुझे बताओ कि आपका ओनली CSK तो कवर हो रहा है इस डॉट डॉट वाली लाइन में, लेकिन MI और CSK का इतना पार्ट जो है वो क्या है, चला जा रहा है। तो इतना पार्ट चला जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? इन दोनों को करो ऐड, आया 32, ठीक। तो पहले तो मैंने क्या किया, 44 में से 32 को माइनस किया, तो कितना आ गया ये हमारे पास? 12। अब जो ये पार्ट चला गया है 4 वाला, क्योंकि ये ओनली MI CSK में, तो इसे ऐड भी तो करोगे, मतलब 16। तो मतलब आपका ये पूरा पार्ट निकल के कितना आ गया, सॉरी 16 आ गया, तो 8 ये हो जाएगा और 8। इज इट क्लियर और नॉट, बताओ? आई बात समझ में? दिक्कतें यहाँ तक कोई किसी को? आई थिंक सब कुछ क्लियर होगा कि कुछ नहीं था। आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप मेरी इस बात को समझो कि हमें पता था कि ये जो ब्लू वाली लाइन है, ठीक है, मैं थोड़ा सा और हाईलाइट कर देती हूँ, क्योंकि ये तो हो ही चुका है आपका। हमें चाहिए ये पार्ट, ये वाला कौन सा पार्ट है? ये वो वाला पार्ट है जिसमें आपका ओनली CSK और CSK और MI बोध क्लियर हो रहा है, ये वाइट वाला पोर्शन, मतलब ये पूरा पोर्शन,
ठीक है, हमें ये पार्ट चाहिए था, तो ये पार्ट चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे भाई, 44 टोटल था, तो 44 में से पहले मैंने ये 10 और ये 12 आया था, तो पहले तो 44 में से 10 12 32 माइनस किया तो कितना आया 12। लेकिन डीसी में पूरा 20 में ये भी तो कवर हो रहा था, मतलब ये बीच वाला ऑल थ्री वाला पोर्शन, तो ये 4 चला गया, तो इस वजह से हमने इस 4 को यहाँ पर क्या किया, ऐड किया। ठीक, इतना आराम से मैंने कभी नहीं पढ़ाया जितना अभी मैं इस क्वेश्चन को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये 8 8 आपका हो गया, मतलब आपके पास सारी वैल्यूज यहाँ पर आ गई। कौन सी, अब मैं इसको हटाना चाहूंगी यहाँ से, चिड़िया सी उड़ रही है जो। ठीक, अब हम सारी वैल्यूज को लिखेंगे, जैसे ये क्या आ गया आपका 4, तो ये पूरा कितना है भाई, सी एस के ओनली कितना आया है, 8 आया, तो ओनली सी एस के ये 8 हो गया, और ये वाली वैल्यू जिसमें आपका एम आई और सी एस के दोनों था, तो ये 8 आया था, तो 4 यहाँ पर विराजमान है, 4 ये हो गया, तो टोटल मिला के 8 हो गया। मतलब बस इतना मटेरियल है आपके पास जो आप जान सकते हो, इसके अलावा हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, हमने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यूज कर ली। ठीक, मजा आ रहा है क्वेश्चन में, अच्छा लगा। पहला क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ पीपल हु, तो मैं यहाँ पर पहले तो वो बना दूँ, जितनी हमारे पास वैल्यूज आई हैं उन्हें हम बना दें, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एक्चुअली बात चल क्या रही थी। तो ये हमारा 10 आया था, ठीक, ये 12 आया, ये 8 आ गया, ये 4 है, और ये हमारा 4 है, और ये एम है, और ये एम है। ठीक, तो डी सी 20, सी एस के एंड है, इतनी वैल्यूज हमने यहाँ पर निकाली। पहला क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ पीपल हु डज लाइक, तो एक चीज और भी तो समझ में आ रही थी, ये m प्लस n प्लस 4 ये 10 है, ये भी तो था हमारे पास, क्यों, क्योंकि हमसे बोला था ना साफ साफ यहाँ पर पीछे आओ, मैंने आपको साफ साफ यहाँ पर चीजें बताई थी कि ये वाली जो वैल्यू थी ये 10 थी, क्योंकि टोटल मिला के डीसी 20 था, 20 मतलब कि 20, तो ये 10 चला गया तभी तो ये 10 आया था, तो मतलब ये जो आप देख पा रहे हैं MN4, MN4 ये वाला पोर्शन, ये क्या था हमारा पूरा, ये 10 ही तो आया था, ये पूरा जब ये पूरा 10 आया था, तो मतलब क्या डीसी में से ये 10 और रिमेनिंग ये 10, तो टोटल तभी तो 20 हुआ था। ठीक, अब क्या, तो यहाँ से m प्लस n मेरे पास आ गया कितना, 10 में से 4 गया, तो एक वैल्यू हमारे पास ये भी आ गई, m प्लस n इज इक्वल टू 6, तो कहीं यूज करना हुआ then we can use number of people those who like DC, तो who like DC is 20 and who like CSK are same, तो DC and CSK are same, तो DC में total कितने हैं, DC वाला circle पूरा count करो, तो इसमें है 10 plus m plus n plus 4, और ये equal दिया है किसके, CSK, तो CSK में 8 plus 4 plus 4 plus m, दोनों के circle circle equal कर दिए। now अब आप 4 से 4 यहाँ काट सकते हो, या 8 4 12, ठीक, m से m चला गया, तो n की वैल्यू आपकी यहाँ पर 2 आ गई, जब n की वैल्यू 2, तो m कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा। पूछा क्या था, देन फाइंड द पीपल हु लाइक्स ऑन लाइक्स एम आई, तो एम आई वाले कितने हैं, एम आई वाला सर्कल लाइक्स एम आई की बात कर रहा है ना, तो टोटल एम आई वाला सर्कल 12 प्लस 4 प्लस 4 प्लस m कितना आ जाएगा बताओ, 12 4 4 8, 12 8 20, और n की वैल्यू आई है 2, तो 20 2 22 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन वेरी गुड। ठीक है, हाँ अगर n पूछता है, m पूछता तो भी निकाल देते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, बट हमें m की नीड नहीं थी, कोई जरूरत नहीं पड़ी। मैम एम आई प्लस सी एस के 8 होगा ना आयन, बिल्कुल होगा, एम आई प्लस सी एस के क्या है, एम आई प्लस सी एस के बोध ये है, आपसे ये नहीं बोला है कि एम आई प्लस सी एस के बट नॉट डी सी, वो 8 होता, ये पूरा 8 है ना, तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास 4 था ही, तो अगर ये पूरा 8 है, तो 8 में से 4 गया, ये रिमेनिंग कितना होगा, 4 ही तो होगा, सही तो लिखा, क्लियर हुआ डाउट, यही तो मैं आपका क्लियर करना चाहती थी। ठीक, नेक्स्ट, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एम आई आर मोर देन दोज ऑफ डी सी, ठीक है, तो एम आई हु लाइक्स एम आई, तो एम आई ओनली वॉनली कुछ नहीं लगा, तो एम आई वाले टोटल कितने थे, एम आई वाले टोटल ये थे, मतलब कि n प्लस 12 8 20, सही तो है, देखो 12 4 4 8, तो 12 8 20 प्लस 9, तो एम आई वाले कितने हो गए आपके पास, 20 प्लस n। अब ये बोला है क्या, आर मोर देन डोज, तो ये मोर देन मतलब ग्रेटर देन डोज हु लाइक डी सी, तो डी सी वाले 20 थे, तो n ग्रेटर देन क्या आ गया, 0 आ गया आपका। ठीक, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। देन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक सी एस के, तो सी एस के वाले टोटल कितने थे, सी एस के वाला सर्कल क्या था, 8 प्लस 4, ये नहीं है कुछ, इससे कंफ्यूज मत होना,
आठ चार 12, चार 16 प्लस एम, तो ये आपका कितना दिख रहा है, चार चार 8 8 16 प्लस एम, सीएसके वाले आपको दिख रहे हैं 16 प्लस एम, आपको ये मैक्सिमम पूछा है। तो ये मैक्सिमम के लिए ये तो कांस्टेंट, आपका एम शुड भी मैक्सिमम होना चाहिए कि नहीं, एम मैक्सिमम होना चाहिए। तो यू नो दैट एम प्लस एन हमारे पास एक रिलेशन 6 आया था, तो अगर मुझे एम मैक्सिमम चाहिए तो 6 माइनस एन, एन मैक्सिमम चाहिए तो मुझे 6 से कम घटाना पड़ेगा, मतलब एन मिनिमम रखना पड़ेगा, और एन मिनिमम कितना पॉसिबल है, 0 नहीं रख सकते क्योंकि एन ग्रेटर देन 0, तो एन मिनिमम 1 होगा, तो 6 माइनस 1 एम मैक्सिमम आपका 5 आएगा। तो ये वैल्यू कितनी, 16 प्लस 5, 6 5 11 21 आपका। आई बात समझ में, क्या करना चाह रहे हैं हम यहाँ पर, क्यों बताओ जल्दी से। क्लियर, पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक सीएसके बट नॉट इज नॉट लेस देन ऑफ दोज हु लाइक एमआई, तो ये लाइन आपकी पूरी पूरी रीजनिंग के इनइक्वालिटी से रिलेट करती है। नॉट लेस देन, नॉट लेस देन में कौन से केस बनेंगे, या तो ग्रेटर भी हो सकता है या तो इक्वल भी हो सकता है, तो नॉट लेस देन का मतलब ग्रेटर और इक्वल, कौन सा, दोज हु लाइक सीएसके, तो सीएसके वाले कितने थे, हम पीछे अभी निकाल चुके टोटल पूरा जो भी सर्कल था सीएसके का, तो ये था एम प्लस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू दैट ऑफ दोज लाइक एमआई, तो एमआई वाले कितने आए थे 20 प्लस एन, ये एमआई वाला सर्कल, तो यहाँ से आपके पास m माइनस n ग्रेटर देन कितना आ रहा है, 20 में से 16 गया 4, तो m ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 4 प्लस n, ठीक ये आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अंकिता, वही तो बता रही, पता नहीं लोग कहाँ गायब हैं, मतलब ये आपको यूट्यूब पे लोग नहीं पढ़ाते, मतलब यूट्यूब के पेड़ में नहीं मिलते, ये कितना डीप में चीजें पूछी गई हैं, है ना, पता नहीं कहाँ है। रुद्रा 3.0 के बाद ऐसे क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस आ रहा है धर्म जी, बिल्कुल, तभी तो अभी एक कल परसों किसी ने मैसेज किया था, श्रुति करके वो लड़की थी, कि मैम 3.0 इज वेस्टेज ऑफ मनी बिकॉज आपने वहाँ सब लेवल बहुत हाई हाई करके पढ़ाया हुआ है, ठीक, तो ये नहीं दिखा कि लेवल हाई तो पढ़ाया है पर जीरो से पूरा हाई तक पढ़ाया हुआ है ना, उस क्वेश्चन को पूरा जीरो से लेके हाई तक 2-3 बार एक्सप्लेन किया है। अब वही है कि तुम वैल्यू हर किसी को समझ नहीं आती है, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, ज्यादा दिक्कत है तो भाई पैसे रिफंड कर लो और क्या, क्योंकि तो भाई क्या बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वही हिसाब हो जाता है क्या ही बोल, या तो उसको प्रॉब्लम हो सकती मे भी है, तो भाई वो चीज सही से पूछो तो उसका हमको सॉल्यूशन बताए कि कहाँ परेशानी आ रही। इफ द नंबर ऑफ पीपल दोस हु लाइक सीएसके, ठीक इतना हो गया, पूछा क्या वो देख लो, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ सीएसके एंड डीसी बट नॉट एमआई, बोथ सीएसके एंड डीसी बट नॉट एमआई, अब समझ रहे हो, बोथ सीएसके एंड डीसी बट नॉट एमआई, तो अब ये इसकी वैल्यू की बात कर रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एम की वैल्यू की बात कर रहा है, एम मिनिमम पूछा है आपसे, तो एम मिनिमम क्या हो सकता है भाई, एम मिनिमम आपको पता है ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एम मिनिमम के लिए हम एन को क्या रखें, एम ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, तो एम क्या हो सकता है, ग्रेटर हो या तो इक्वल हो, तो मिनिमम से मिनिमम इक्वल एम की वैल्यू 4 ही पॉसिबल है, 4 ही तो पॉसिबल है ना, उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, और तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, एन को हम 0 रख लेंगे, और ऐसा कहीं दिया नहीं है कि एन 0 नहीं हो सकता या कुछ। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका जो आंसर देगा उसको पक्का मैं 5 रुपए पेटीएम करूंगी, इसका जो भी आंसर देगा उसको 5 रुपए इनाम, एक बार में सही।
कौन दे रहा है इसका आंसर? 20 लोग हैं, कूपन कोड मिल जाएगा। देखो लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं साथ चाह रही हूँ कि आप लोग इसका आंसर करो, सही सही जवाब देना एक बार में, दो बार में नहीं माना जाएगा। दो भाई, इतना टाइम भी नहीं लगाना था। द नंबर ऑफ दोज हु लाइक सीएसके इज 10% लेस देन दोज हु लाइक डीसी। ठीक, तो सीएसके वाले क्या दिए हैं? 10% बट नॉट के बाद। अरे भाई डीसी एंड एमआई बट नॉट सीएसके, कॉमन सेंस है। डीसी एंड एमआई बट नॉट सीएसके, तीन ही तो हैं ये अपने आप पर। सीएसए वाले बोले हैं 10% लेस, दैट इज 90% ऑफ दोज हु लाइक डीसी। तो डीसी वाले तो याद ही हो गए, 20 थे, तो ये हो गए कितने, 9 दूनी 18, 18 आ गए आपके सीएसके वाले। अब क्या बोला है, अब 18 है ना ये, माना नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत देर हो गई और स्टिल कोई आंसर नहीं कर रहा है, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। टोटल सीएसके हैं कितने? नीतू ने दिया है 7.5 के, 4.5 धर्म ने दिया है। ओके क्लास अभी स्टार्ट हुआ, सौरभ 4 बजे से चल तो रहा है सौरभ क्लास। कल क्लास में भी अनाउंस किया था, यूट्यूब पर इवेंट भी सुबह से लगा हुआ है, टेलीग्राम पे भी बताया था, अभी भी बुला हुआ देकर आई हूँ, का ही बताया भैया। चलो देखते हैं पीपल दोस्त। ओके पहले तो सीएसके देख ले, 18 है, सीएसके थे कितने? तो सीएसके था हमारा 8 4 4 8 8 16, और एम मतलब कि ये 16+ M आपका सीएसके था। तो 16+ M इज इक्वल टू व्हाट? 18। ठीक, एम की वैल्यू आ गई आपकी, m की वैल्यू 2 हो गई, तो यू हैव m प्लस n इज इक्वल टू 6, तो n कितना हो जाएगा? 4। अब बोला क्या है आपसे, फाइंड द पीपल दोज हु लाइक एग्जैक्टली वन टीम इज हाउ मेनी टाइम्स मोर देन दोज हु लाइक डीसी एंड एमआई बट नॉट सीएसके। डीसी एंड एमआई बट नॉट सीएसके, डीसी एंड एमआई बट नॉट सीएसके मतलब n की वैल्यू। ठीक, n के कितना टाइम्स है? तो भाई वी हैव एवरीथिंग हियर, एग्जैक्टली वन ब्रांड वाले देख लो कौन से। तो एग्जैक्टली वन मतलब जो किसी के साथ कॉमन ना, मतलब 10, 8 और 12, तो 12, 8, 20 और 10 कितना होता है टोटल 30। तो ये आपका कितना आ गया यहाँ पर, 30। ओके, और किससे? एन, तो एन की वैल्यू आई है 4, तो ये हो गया 4 7 28 और 4 5 20, तो 7.5 टाइम्स ये आपका यहाँ पर हो रहा है। ठीक, वेरी गुड नीतू, आपने बहुत अच्छा दिमाग लगाया एंड आपने इसका आंसर बिल्कुल सही नहीं दिया है। ठीक है, रीजन इज दिस, कोई भी 5, मतलब तुम लोग सोच रहे हो अभी तुम लोग की तैयारी 5 रुपए लायक नहीं हुई है, ये नहीं होगा। ठीक है, सही निकाला बट फिर भी आपका जो क्वेश्चन है आपने वो नहीं पढ़ा। हाउ मैनी टाइम्स मोर देन, मोर देन का मतलब समझ रहे हैं? मोर, तो जब भी आप फ्रैक्शन में या पॉइंट में बात करते तो मोर, तो अगर मैं बोलूं 25% मोर, तो आप 125 को देखते हो ना अंकिता, अगेन आपने भी नहीं ध्यान दिया, 25% मोर, तो 125% देखते हो। तो अगर फाइनल आंसर ये आया है तो मोर बोला, हाउ मच परसेंट मोर, तो 25% मोर, दैट मीन 7.5 में से 1 माइनस करोगे, आंसर होगा 6.5 टाइम्स मोर। जब 6.5 टाइम्स मोर करोगे देन वी कैन से 1 + 6.5 टाइम्स, दैट मीन 7.5 टाइम्स एग्जैक्टली दिया हुआ है, तो नन ऑफ दीज यहाँ पर।
आई बात समझ? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा क्वेश्चन था, वर्थ थी क्लास आज की, बताओ। आई होप आपको क्लियर हुई होंगी चीजें, ठीक है? एंड इसके आगे हम कल फिर कंटिन्यू करेंगे, ओके? समझ में आया जो मैं बताना चाह रही थी? मोर भाई, अगर आपसे मैं बोलूं 40% मोर क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक, तो 40% मोर दिया होता तो रिजल्ट क्या आता है? 140% आता है किसी भी चीज का। और यहाँ पर बोला है हाउ मेनी टाइम्स मोर देन, तो आंसर फाइनली यू हैव 77.5 टाइम्स आया, तो मोर हुआ तो 6.5, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, 1 रुपए जितनी हुई है। हाँ, 1 रुपए जितनी तुम लोग की तैयारी हुई है, 5 रुपए तक की लाओ, ठीक? तो मैं पक्का 50 रुपए ट्रांसफर कर दूंगी, ठीक? 5 तो बहुत कम होते हैं, तो मैंने ऐसे ही बोला था मजाक मजाक में, लेकिन कोई बात नहीं, ह्यूमन नेचर हाँ होता है, कोई बात नहीं। बट यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है? आप अपने कॉन्फिडेंट रहा करिए अपने आंसर्स पे जो भी होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ओके? या अच्छे क्वेश्चन थे, वेन डायग्राम खास तौर से बहुत अच्छा था, और जो अभी पेड में 3.0 में किया, प्रोबेबिलिटी लाजवाब था आज का, ठीक है? प्रोबेबिलिटी केसलेट बहुत अच्छा था, तो आज हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं पेड में, ठीक? ओके, तो चलो। और नीतू, आपकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, ठीक है? मैं मतलब ऑब्जर्व करती रहती हूँ स्टूडेंट्स को, जो भी देख रही हूँ, तो कॉन्टिन्यूटी बहुत मैटर करती है, ठीक है? बहुत ज्यादा। कभी कभी ऐसा होता है कोई बंदा बहुत अच्छा रहता है लेकिन वो पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाता क्योंकि उसकी कॉन्टिन्यूटी अच्छी नहीं होती, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब जिनका बैकग्राउंड भी नहीं होता वो, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी होती है कि वो चौका छक्का सब मार देते, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए, बाय, टेक केयर, मिलते हैं रात को 9 बजे। जिसके पास टाइम हो आ जाना पेट में, जिसने 2 क्लास कर ली वो अपने अकॉर्डिंग जो मर्जी आ करो, ठीक है? क्योंकि तो पूरे दिन ऐसा भी नहीं कि मैथ्स ही पढ़ो, मेरा तो काम है कि मुझे 3 क्लासेस अपनी पूरी करवानी है। तो चलो बाय, मिलेंगे कल भी अगेन 4 PM पर क्लास होगी आपकी, शाम को 4।